एयरटेल जियो और वीआई के प्रीपेड प्लान्स के महंगे होने के बाद यूजर्स लगातार सस्ते प्लान देख रहे हैं। हाल ही में एयरटेल जियो और वीआई ने 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान्स लॉन्च किए थे। बीएसएनएल भी 30 दिन की वैलिडिटी वाले कई प्लान्स के साथ आता है। बीएसएनएल के इन सस्ते प्लान्स में कई बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बीएसएनएल के सस्ते प्रीपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं जो 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। आपको बता दें कि ये प्लान सर्कल के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, इस वजह से रिचार्ज करने से पहले टेलीकॉम कंपनी से जरूर वेरीफाई कर लें। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल के 16 रुपए वाले प्लान की। यह बीएसएनएल का सबसे बेसिक प्लान है। इस प्लान को आप तब ले सकते हैं जब केवल सिम को एक्टिवेट रखना चाहते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की होती है। इस प्लान से कॉल करने पर आपको 20 पैसे प्रति मिनट खर्च करने होंगे। इस प्लान में कोई डेटा या एसएमएस बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। अब बात करते हैं बीएसएनएल के 147 रुपए वाले प्लान की। बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल्स दिए जाते हैं। इस प्लान के साथ लोकल और नेशनल कॉल्स फ्री में किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में 10 GB मोबाइल डेटा भी दिया जाता है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसमें एसएमएस बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। अब बात करते हैं बीएसएनएल के 247 रुपए वाले प्लान की। यदि आपको ज्यादा डेटा की जरूरत है तो आप बीएसएनएल के 247 रुपए वाले प्लान की तरफ जा सकते हैं। इस प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी दी जाती है। इसमें यूजर्स को 50 GB हाई स्पीड डेटा दिया जाता है। लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड कम होकर 80 KBPS हो जाती है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड कॉल और डेली 100 SMS दिए जाते हैं। अगर आप अपने लिए और भी ज्यादा डेटा चाहते हैं तो बीएसएनएल का एक और प्लान 299 रुपए का है। इस प्लान में डेली 3 GB मोबाइल डेटा दिया जाता है, यानी इस वैलिडिटी के दौरान आपको टोटल 90 GB डेटा मिलता है। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।